ऑर्गन डोनेशन और वर्तमान समय में जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है और ये मेडिकल साइंस का उपयोग लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए हो, इसलिए दुनिया में बहुत कुछ कार्य हुए हैं, इंडिया में भी उसके ऊपर कार्य चल रहे हैं। खास करके ऑर्गन के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे यहाँ किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन्स, उसका रिप्लेस करने के लिए या तो ये सब ऑर्गन्स लोगों को आसानी से मिल सके, इसलिए भारत सरकार की ओर से नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जाता है और नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज़ गठित की गई है, ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है, रीजनल व्यवस्था की गई है, पूरे माध्यम से व्यापक पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एक वेबसाइट भी क्रिएट की गई है, वेबसाइट के माध्यम से जिसको ऑर्गन चाहिए वो भी उसमें एंट्री करते हैं और जो डोनेट करना चाहते हैं वो भी ये वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दुनिया के सापेक्ष में इंडिया में अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रेशियो बहुत कम है, लेकिन वो बढ़े उसके लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी लाया रखा गया है, उसके लिए व्यापक तौर पर नंबर ऑफ टाइप की NGOs भी प्रयास करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रयास करती है और जनता के बीच में व्यापक पब्लिक अवेयरनेस हो और ये अवेयरनेस का लाभ वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको मिले, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय बात बहुत सही है, अंगदान ये महादान है और अंगदान करना और अंगदान में सहयोगी होना और अंगदान करने वाले गरीब लोग या तो जिसको अंग चाहिए ऐसे गरीब लोग उसको ज़्यादा खर्च न हो और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले, उसको ट्रांसप्लांटेड हो सके, इसलिए व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और इसलिए ही प्रधानमंत्री माननीय सदस्य से भी ऐसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, उसमें प्रधानमंत्री राहत फंड से भी सहायता मिलती है। आयुष्मान भारत योजना जहाँ यहाँ बताया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से देश के 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की साल में मुफ्त ट्रीटमेंट होना, मुफ्त ऑपरेशन होना, ये बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान में ये आदत नहीं रही है सर। आज अमेरिका में जब 10 करोड़ लोगों के लिए एक योजना बनी थी उसको ओबामा केयर योजना के नाम से जानी जाती थी और सारी दुनिया में पॉपुलर हुई थी, उससे 5 times बड़ी योजना है और उससे गरीब लोगों को बहुत सुविधा हो रही है, गरीब लोगों को बहुत राहत हो रही है और कई गरीब लोग आज तक देश में उसका लाभ ले चुके हैं, भविष्य में भी लेते रहेंगे। इस तरह से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ऑपरेशन की सुविधा मिले, इसलिए भारत सरकार कटिबद्धता से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जब एक्सीडेंट होता है कई लोगों के एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और भारत सरकार के हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होता है तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट मिले और नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले तब उसके लिए भी 50,000 की फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है और सभी टोल प्लाजा पर एक एम्बुलेंस रखी गई है और ये एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत ही जहाँ से भी कॉल आए, ये फ्री कॉल से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत ही वहाँ ये वान मेडिकल वान पहुँच जाती है, एम्बुलेंस वान पहुँच जाती है और नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको पहुँचाया जाता है और ऐसी स्थिति में कई लोग अपने ऑर्गन डोनेशन की भी बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका ऑर्गन उसको वहाँ से डोनेट किया जाए, उसके लिए कोशिश हो रही है, व्यवस्था बन रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे 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 इम्प्रूव हो रहा है और पिछले 6-7 साल में जो प्रयास हुआ है और पिछले साल में हेल्थ बजट भी ढाई गुना बढ़ाया गया है, ये सब बजट का उपयोग करके अगले दिनों में देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, व्यवस्थित बने, उसके लिए प्रयास हो रहा है।